देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हें चाहिए? नहीं, तो मैं ही खा लेती हूँ। ये क्या बात हुई शिवानी बेटा, वो चिकन का एक भी पीस छोड़े बिना खा रही हो? अरे चिकन में प्रोटीन होता है, इसे खाने से हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। और फिर पूरा ना खाने से चिकन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ना। आपने वो कहावत नहीं सुनी, मरने के पाप से इसे खाकर मुक्त हो जाइए। हाँ। लेकिन बेटा शिवानी, तुम नॉन वेज? जीरो। शिवानी वेज थी? शिवानी तो वेजिटेरियन ही थी, वो नॉनवेज खाना तो दूर की बात है, टच तक नहीं करती थी। परेशानू, जैसे गाय अपना चारा झट से खा जाती है, वैसे ही तुम इस मुर्गे को खा गई। मैं और क्या बोलूं? शेरू, अगर आप ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो पूरा स्कोर नीचे गिर जाएगा और अगले हफ्ते एलिमिनेट हो जाओगी। शिवानी क्या हुआ बेटा? वो जो चीज नहीं खानी चाहिए थी वो खा लिया तो पेट दुख रहा है, उल्टी आ रही है। वो बात यह है कि हिमालय में स्वामी जी जब मुझे ठीक कर रहे थे, वहाँ एक मांसाहारी व्यक्ति भी था। उन्होंने मेरी सेहत ठीक करने के लिए कहा था मांसाहार खाना चाहिए, इसलिए आदत पड़ गई मुझे। बस हो गया, बहुत खा लिया मैंने, अब थोड़ा आराम करूंगी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो सो रहा हूँ। लेकिन कहाँ? बेड पर। उठो, चलो उठो, जाओ बाहर जाओ। लेकिन मैं यहाँ सो जाऊँ तो उसमें क्या परेशानी है? सोता बोलोगे ना, चीर फोड़ के किडनी बाहर निकालूंगी तुम्हारी। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, बाहर जाकर सो। महल जैसा था मेरा घर, उसे छोड़कर इस चार दीवारी के बीच में घुटन हो रही है मुझे। मैंने भी देखा तुम्हारे महल को, मैं भी रहा हूँ एक हफ्ता। क्या कहा, कुछ कह रहे हो? हाँ कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। शैलू, बात यह है कि मेरी एक विनती है, बाहर बहुत ठंड है। मैं अकेला सिंगल जीव हूँ। हाँ तो मैं यहीं सो जाता हूँ। नीच लड़के, चलो उठ यहाँ से, निकल। कितनी बार बोलूँ तुम्हें? चलो, मेरी इंसल्ट करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझसे ओवर एक्टिंग करोगे ना तो मैं सेल्फ एलिमिनेट हो जाऊंगी। शिवानी, शैलू, ऐसा कुछ मत करना, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मैं बाहर जाकर ही सो जाता हूँ, कोई बात नहीं। शैलू जी, नहीं, एक छोटी सी विनती थी। अब क्या है? वहाँ, मैं वहाँ सो जाऊँ? मेरे पैरों के नीचे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त पर, उस तरफ मुड़कर सोना होगा। इस तरफ मुड़े ना दिग्विजय, दिग्विजय, बात क्या है त्रिशना? मुझे शक है कि वो लड़की त्रिशूल की बीवी नहीं है। किस वजह से कह रही हो तुम? मैं बहुत समय से देख रही हूँ, भले ही वो एक दूसरे के साथ हो लेकिन उन दोनों के बीच एक दीवार है। कभी कभी जो दिखता है वो वास्तव में सच हो ये जरूरी नहीं है त्रिशना। मैं भी यही कह रही हूँ कि उन दोनों के बीच प्यार नहीं है। वो दोनों जिस कमरे में सो रहे हैं हमें वहाँ जाकर देखना होगा। ऐसा करना गलत होगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वो दोनों पति पत्नी है या नहीं ये जानने के लिए
हमें उनके कमरे में झांकना ही होगा, और इस बात का पता चलने के बाद ही हम लोग आगे क्या करना है वो सोचेंगे। हाँ दिग्विजय, मरी हुई शिवानी इस घर में लौट कर आ गई है, आखिर ये कैसे हो सकता है? अगर वो तुम्हारी बहू नहीं है तो वो है कौन? वो यहाँ क्यों आई है? उसका उद्देश्य क्या है? हमें ये जानना होगा। ठीक है, चलो इस बात की जांच कर लेते हैं। लगता है कोई आ रहा है। ओह, मुझे अब जल्दी से शिवानी के कैरेक्टर में आना पड़ेगा। त्रिशूल, क्या उधर देखो? ओ त्रिशूल, जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो एक दिन एक पल की तरह बीत जाता है, एक साल एक मिनट की तरह बीत जाता है। हाँ क्या, यही हमारा सच्चा प्यार है। देखो वो गए कि नहीं। हाँ चले गए। अब दुष्ट लड़के, मारूंगी तुझे। चांस मिला नहीं, क्या एडवांटेज लेने लगे तुम? अरे किस करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो भी इस शैलू के हाथ पर। ए, मैं ये शो में अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपना स्कोर बढ़ा रही थी और तुम अपनी ओवर परफॉर्मेंस से सब बिगाड़ रहे हो। चलो जाओ, जाकर सो जाओ। चलो शैलू, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है कोई बात नहीं, सो जाता। वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम्हारी जगह यहाँ है, चलो। अरे शिवानी, अरे शैलू, मैं वहाँ एक कोने में सो जाऊंगा। और तुम कमरे में सोना चाहते हो या फिर मैं बाहर निकाल दूं तुम्हें? ठीक है, मैं वहीं सो जाता हूँ। तो जाओ, सो जाओ। मुझे आपसे जानना है कि किस किस को लगता है कि वो शिवानी ही है? इसमें सोचने वाली क्या बात है, वो घर वालों को पहचान रही है, अच्छे से बात कर रही है। उसकी बात करने का ढंग थोड़ा अलग जरूर है, तो भी मैं मानती हूँ कि वो शिवानी ही है। आपके इस भरोसे को बहुत जल्द तोड़ देगी वो। मेरी भाभी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रीना, तुम्हारी उम्र शक करने की नहीं है, भरोसा करने की है। अगर तुम्हें कोई चॉकलेट में जहर मिलाकर दे दे तो उस पर भरोसा कर लोगी। सच और झूठ का तुम पता नहीं लगा पाओ। जब तक तुम समझोगी बहुत देर हो चुकी होगी, और उसके बाद तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी कहता हूं
हम बड़ों की बातों को ध्यान से सुनो। याद रहे, एक मरी हुई लड़की घर वापस आई है, शक होना तो जायज है। अगर हम शक करेंगे तभी आगे कुछ प्लान कर पाएंगे। मतलब जो मेरी भाभी बनकर आई है वो मेरी भाभी नहीं है? जब आप यहाँ आए थे तो क्या हमने आप पे कोई शक किया था क्या? ये तुम सब की गलती थी। अगर आप लोग मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी जो इस घर में आई है वो इस घर की बहू है या नहीं, इस बात को जानने का पूरा हक है मुझे, क्योंकि मैं भी इस घर का बेटा हूं। त्रिशूल परेशान है, अगर कोई भी आकर उसे सहारा देगा तो वो उसे शिवानी ही मानेगा। उसे तो शिवानी जैसी दिखने वाली लड़की ही मिल गई। ये बात तुम्हें कमाल की नहीं लगती? जो इस घर में आई है वो फ्रॉड है, या हो सकता है मैं लूटने आई हो, तो क्या मैं ये जानकर चुपचाप बैठूंगा? इस घर की भलाई के बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मन में कोई शक है तो उसे जल्द दूर करना चाहिए। तो अब आगे आपने क्या सोचा है? परखना तो होगा उसे। कैसे परखेंगे? बताता हूँ। ये तो सोई है, वो भी कंबल ओढ़कर, और आधा घंटा तो उठने से रही। झलक दिखलाओ जा, झलक दिखलाओ जा, एक बार आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, एक बार आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जीने के चार दिन, ओ बाकी ने बेकार दिन, जाओ 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 जाओ, एक बार जाओ जवानी फिर ना। क्या हुआ? हेलो शैलू जी, कैसी है? गुड मॉर्निंग। साइड से दिख रहा है क्या? शैलू जी हाय। शैलू जी अब आप देख सकते हैं। लड़कियों के आस पास कैसे घूमना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है क्या? मैनर्स तो है लेकिन यहाँ लड़की कौन है वो समझ नहीं आ रहा है। बचाऊंगी ना कि दांत हाथ में आ जाएंगे। मानी तो कहां कैसे बर्ताव करना चाहिए कुछ नहीं पता। हेलो, ये मेरा कमरा है, ये मेरा लैंप है, ये मेरा कबर्ड है, ये मेरी छत है, और ये मेरी बेडशीट है, ठीक है? वैसे कल तो आप कह रही थी कि मैं 6 बजे उठ जाऊंगी और मुझे उठा देना, और अब एक बेशरम लाश की तरह ऐसे आराम से आराम से सो रही हो, इसलिए मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गया। आया बड़ा फ्री होने वाला। मैं लेट उठूं या जल्दी उठूं मेरी मर्जी है, उससे तुम्हें क्या करना है? नेक्स्ट टाइम अगर मेरे आसपास इस अवतार में घूमे ना तो देख लेना। दिखने में गोरे गोरे हो, चेहरा ठीक ठाक है, बिल्ड भी ठीक है, तो तुम ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो क्या? ये शैलू ना विश्व सुंदरी है, मेकअप करने के बाद तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वैसे कौन से सोप का इस्तेमाल करते हो? बॉडी शावर एलोवेरा जेल। क्या का? जेल? हैं? मैंने सोप के बारे में पूछा है। अंदर है, जाइए मिल जाएगा। पहले जाकर कपड़े पहन लो, घर में हर जगह कैमरा लगे हुए हैं दोस्त, ऑडियंस देखकर हंसने लगेगी तुम पर। इस तरह चड्डी पहनकर यहाँ वहाँ घूमोगे तो तुम्हें लगता है ऑडियंस इम्प्रेस होकर तुम्हें ज्यादा वोट देगी? नो वे, इम्पॉसिबल। बेटा तुम्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा, समझे? सारे वोट्स मुझे ही मिलने वाले हैं, मैं ही जीतूंगी।
समझे कि नहीं? ए पंकू, यहाँ आना। ये लोग कर क्या रहे हैं? हमें यहाँ छोड़कर लगता है ये लोग ऊपर एक्टिंग कर रहे हैं। अरे तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब हमें बुलाएंगे तब हम जाकर हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दे देंगे। तब तक हम अच्छे से खा पी कर मजे करते हैं, ठीक है? डोंट वरी। अरे आ गया, आ गया। अच्छा अच्छा। रीना, जाकर उसे लेकर आओ। किसे? वही जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, आज जानेंगे वो लड़की असली शिवानी है या नहीं। जिंदगी के सफर में। भैया, भैया, भाभी को चाचा जी ने बुलाया है, नीचे आ जाइए। ओके, मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। किसी भी मंत्र का इस्तेमाल करने पर, कोई भी सिद्धि का प्रयोग करने पर हमारे तंत्र मंत्र से वो शिवानी, इस बात की पुष्टि नहीं हो रही। मैं भी इसी के बारे में सोच रही हूँ दाक्षायणी। लगता है कोई शक्ति हमारे और उसके बीच दीवार बनकर खड़ी है, या फिर इस सब की कोई और ही वजह हो सकती है। आई? हाँ भैया, उन्हें लेकर आ रहे हैं। उसे लाने के लिए और कितने लोग चाहिए? नंदीश, ए जीरो। हाँ? मैं बहुत सुंदर हूँ ना? अगर कालिदास ने मुझे देखा होता तो ना जाने और कितनी कविताएं मुझ पर लिखती होती उन्होंने। उतनी उतनी सुंदर हूँ मैं, है ना? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा ज्यादा हो गया? अगर कालिदास होते भी तो तुम्हारे रेडी होने तक उनकी उम्र हो जाती। त्रिशूल। पिताजी। शिवानी, छोटे मालिक बुला रहे हैं, चलो। पिताजी आप जाइए, मैं इसे लेकर आता हूँ। ए जीरो, क्या कब से तुम मैं शिवानी को लाता हूँ कहकर यहीं बैठे हो? जल्दी लेकर जाओ ना शिवानी को, शायद कोई अर्जेंट टास्क मिलने वाला हो। हेलो, अपने कैरेक्टर में आ जाओ, तुम ही शिवानी हो। हे भगवान, सही बोल रहे हो, मैं तो भूल ही गई थी। पर शायद लगता है कि कोई समस्या आ गई है। तुम्हारी बहन वाले कैरेक्टर आकर बुला कर गई, उसके बाद ड्राइवर वाला कैरेक्टर भी आकर गया। चलो चलो चलो, जल्दी चलते, चलना जीरो। पंखू, कुछ 25 साल पहले ही अगर ऐसे रियलिटी शो करने का मौका मिलता तो हमारी लाइफस्टाइल ही कुछ और होती। करेक्ट, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मेरे इस फिगर पर, मेरे नखरों को देखकर कोई ना कोई एक अमीर इंसान मेरे जाल में फंसकर मुझसे प्यार कर बैठता, फिर मैं उससे शादी कर उसके साथ सेटल हो जाती। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, मैं किसी से कम हूँ क्या? अरे ऐसा नहीं है जी, आपसे मैं थोड़ी ऊपर हूँ ना, इसलिए। ये क्या बात हो गई पंकू? कैमरा 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 कैम 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 कैम। नमस्ते। क्या हुआ, ऐसे नमस्कार क्यों कर रही हो? ओ वो शिवानी जब हिमालय में थी तब वो मतलब कराटे सीख रही थी, साथ में उसने कुंग फू भी सीखा है। वो इसी गुरुजी ने ऐसे झुकर नमस्ते करना सिखाया है। अब वापस एक बार बताओ बेटा। नमस्ते। वो सब ठीक है शिवानी, दादी के कमरे से भगवत गीता की किताब ले आओ।
थैंक्स बेटा। इट्स ओके माँ, नो प्रॉब्लम। भाभी मेरे कमरे में जाकर मेरे लिए रिंग ला दीजिए ना, मेरे पैरों में दर्द है, मैं नहीं जा सकती। हाँ अभी लेकर आती हूँ। भाभी मेरा कमरा उस तरफ। तो तुम्हारा कमरा हाँ हाँ पता है वहाँ है ना, अभी लाती हूँ। ये लो। अच्छा बेटा मेरे रूम के कबर्ड में डेली मेंटेनेंस की एक कॉपी है, जरा ले आओ। आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे किसका कमरा कहाँ है सब कुछ पता है। वो याददाश्त चली गई थी इसलिए कुछ कुछ चीजें मैं भूल गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी याद नहीं। मैं ही बताती हूँ, दादी का कमरा वहाँ है, गोविंद मामा का कमरा उस तरफ, दीना का रूम वहाँ है, आपका कमरा उस तरफ है और नंदी शंकर आउट हाउस में रहते हैं। मुझे मुझे सब कुछ याद है। आप सबको अब भी मुझ पर शक है क्या? अरे आप सब क्या क्या सोच रहे हैं? शैलू मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि श्री शैला में रहने वाले मल्लिकार्जुन स्वामी के आशीर्वाद से मुझे मुझे सब कुछ याद आ गया है, बस यही कहना था। हाय गाइस, मैं आपकी प्यारी शैलू। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया है तो प्लीज प्लीज मुझे ही वोट देना। आखिर ये कर क्या रही है? प्रार्थना, काठमांडू पशुपतिनाथ की प्रार्थना। ये भी उसने हिमालय में ही सीखा होगा। हाँ बिल्कुल। शिवानी जब से मैं आया हूँ लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हो। अगर अपने हाथों से मुझे खिलाओगी तो मुझे भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। हे भगवान, मुझे तो सिर्फ खाना खाना आता है, खाना बनाना तो आता ही नहीं है। अब कहीं मेरा स्कोर कम ना हो जाए। हे भगवान ये क्या, शैलू तो किचन में है ही नहीं, कहाँ चली गई? सब्जियां भी ऐसी ही पड़ी है, कुछ बनाया भी नहीं है। हे भगवान कहाँ चली गई? शायद कमरे में होगी, रूम में ही जाकर देखता हूँ। ये क्या है, शैलू की आवाज सुनाई दे रही है, बॉडी कहाँ है? हे भगवान इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? आखिर छुपी कहाँ पे है? शैलू कहाँ हो तुम? शैलू बाहर आ जाओ प्लीज, ऐसे डराओ मत, तुम्हें कुछ हो गया तो लोग मुझे मार डालेंगे। ये कहीं दिख क्यों नहीं रही है? शैलू आखिर कहाँ गई, कहाँ गई? शैलू यहाँ क्यों बैठी हो, नीचे आओ। ऐसे छुप कर रो क्यों रही हो शैलू, क्या हुआ है? मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे सिर्फ खाना आता है, तुम कैसे सिनेमा डायरेक्टर हो? तुमने खाना बनाना ही नहीं सिखाया। मैंने ही नहीं सिखाया, मेरी गलती है। अब क्या करूं, अब क्या करूं? ठीक है माफ करो, अभी सिखाता हूँ। फ्रेश लेसन, सब कुछ स्टार्ट से। चलो
पहले मैं तुम्हें ये कांदा देता हूँ, छोटा काटना है, चलो काट के दिखाओ। लेकिन कांदा काटते वक्त आंखों से आंसू आते हैं ना? हाँ वो तो निकलेगा, लेकिन अगर कांदा नहीं कटेगा तो खाना कैसे बनेगा, ये तो जरूरी है। चलो काटो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक काम करते हैं। कांदा तुम काटो, मैं ककड़ी काटती हूँ। अरे शैलू, सब काम मैं करूँगा तो स्कोर भी मुझे ही मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे? मतलब तुम्हें ही करना पड़ेगा, स्कोर इम्पोर्टेंट है। इसीलिए काटो, कांदा काटो, काट के दिखाओ मुझे। उसे मैं भस्म कर दूंगी दाक्षायणी, मेरे अग्नि केचर विद्या का उपयोग कर उसे राख बना दूंगी मैं। तृष्णा, गुस्से में आकर इस विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमें लगे कि हम और कुछ नहीं कर सकते। हम हार ही तो रहे हैं, अब क्या इनका नाटक देखने का इंतजार कर रही हो? मुझे जो गुस्सा आ रहा है उसके चलते मुझे सब कुछ सभी को भस्म करने का मन कर रहा है। यही हमारी गलती होगी। तुम पहले अपना मन शांत करो। तुम्हारे इस बर्ताव को अगर घर में से किसी ने देख लिया तो उनकी नजर में तुम बुरी बन जाओगी। कोई भी घर वाले चाहते हैं कि उनकी बहू शांत स्वभाव की हो, गुस्से और आक्रोश वाली नहीं। सबको मार कर सिर्फ उसे बचाने से तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी करेगा? अगर तुम चाहती हो कि वो तुमसे प्यार करे तो तुम्हें संयम से काम लेना होगा। मेरे संयम की भी एक सीमा है, ये बात सबको समझनी होगी। ये क्या है शैलू, तुम्हें कांदा काटना भी नहीं आता है? देखो पहले इसका छिलका निकालते हैं और फिर उसे बारीक काटना होता है, समझी? ठीक है। बारीक कट करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर ये सांबर बनाने के लिए सिलबट्टा लगता है ना, वो कहाँ है? हमारे घर में सिलबट्टा नहीं है, मिक्सर है, वहाँ शेल्फ पर रखा है। मिक्सर है? हाँ? तो ये काम तुम ही कर लो। हेलो, अगर मुझे ये सब करते हुए किसी ने देख लिया तो वो समझ जाएंगे तुम्हें कुछ नहीं आता। तो फिर अब क्या करें? मुझे तो ये सब करना बिल्कुल भी नहीं आता है। किसी को मुझे रेसिपी तो बतानी होगी ना। हाँ, एक काम करो। ब्लूटूथ? क्या? वो कान में डालकर सुनते ना, मैं उसे पहनकर सुनते रहती हूँ और तुम कहीं और बैठकर मुझे रेसिपी बताते रहना। तुम्हें ये सब भी पता है? कौन हूँ मैं? शैलू, शैलू मैं। हाँ ठीक है, मैं जाकर ब्लूटूथ लेकर आता हूँ। ओके हाँ जल्दी। यस, ये लो जल्दी पहनो। ओके हाँ। इसे यहीं धनिया के बीच में रखता हूँ, जरूरत पड़े तो दूसरा भी पहन लेना। मैं तुम्हें फोन करके क्या क्या करना है बताता हूँ, जल्दी निकलो यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है। खाना वाना बनाने का शुरू लेना ही नहीं चाहिए था, चुपचाप ऑनलाइन में खाना ऑर्डर कर देना चाहिए था, जट से खाना आ जाता है, इस सब की क्या जरूरत? ए पंकू, ये सब पॉपुलैरिटी के लिए करना पड़ता है। वो देखने वाले को ये सब पसंद आता है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। कर लो कर लो। गॉड, स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है। फाइनली हो गया, मैं खुद को शाबाशी दे देती हूँ। शाबाश शिवा, शाबाश शैलू, शाबाश जीरा, तुम आ गए। देखो जैसी रेसिपी बताई वैसी ही बनाई। वाओ। अब सिर्फ तुम्हारा चखना बाकी है, जरा चखो। सुपर, मैंने बताया इसलिए बना पाई ना। हेलो, बताना बड़ा काम नहीं होता, बनाना होता है। चलो दाक्षायणी, भी जाकर स्वाद चख लेते हैं। पहले खाना तो बन जाए, फिर चख भी लेंगे। शैलू के हाथ का खाना खा रहे हो, जरूर कोई पुण्य किया होगा। मस्त बनाया ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। हाँ पता था
तुमने मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए? नहीं जीरो, तुम शैलू को जानते हो ना, इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज किया है मैंने। एक मिनट रुको, मैं अभी आया। लगता है मंत्र मुग्ध हो गया। अब और क्या बनाऊं? माँ, माँ जल्दी आओ। माँ क्या हुआ बेटा? माँ एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अरे ऐसा क्या हो गया? वो शैलू को खाना बनाना आता है नहीं, उसका टेस्ट है और उसे सिर्फ खाना खाना आता है, और वो इंटरनेट पे और यूट्यूब पर देखकर पता नहीं क्या बना रही है। उसे अगर किसी ने खा लिया तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। वो टेस्ट करके मैं मरते मरते बचा हूँ। अरे बाप रे, अब हम क्या करें? माँ प्लीज, माँ कुछ भी बना दो और उसे लाकर दे दो। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है ना। माँ जितना वक्त है उसमें कुछ बना दो, नहीं तो हमारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। भूख की वजह से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अजी आपको याद है, एक बार हमारी शैलू कॉफी बना रही थी तब उसने दूध की बजाय दही डाल दिया था। आज वो खाना बना रही है। अगर नमक की जगह उसने शक्कर डाल दी तो, तुअर दाल की बजाय मूंग दाल डाल दी तो, कोथमीर की बजाय पुदीना डाल दिया तो, या फिर तड़का देने के वक्त राय की जगह रागी डाल दी तो हमारा क्या होगा? क्या होगा ये मैं जानता हूँ। क्या होगा? आज उसने बनाया हुआ खाना खाते ही ये रियलिटी शो खत्म हो जाएगा। खाना बनाने नहीं आता करके ये शो वाले हमें इस शो से निकाल देंगे। जय भोलेनाथ। परीक्षा, अग्नि परीक्षा। हे परमेश्वर, आपके लिए तो ये तीनों लोग खिलौने के समान हैं, और हम सब गुड्डे गुड़िया, और हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाकर आप चुपचाप देख रहे हो ना। हे नटराज, जो मर गया वो सत्य है, या जो दिख रहा है वो सत्य है? नागलोक की पुकार सुनाई नहीं दे रही है क्या परमेश्वर? महारुद्र, कपालेश्वर, आखिर ये शपथ किसके लिए ली? हे भोलेनाथ, खाना तैयार है जी। खुश मत हो, खाने के बाद न जाने कहाँ कहाँ दर्द होगा। चलिए चलिए, ना जाने कैसा होगा, तो देखते हैं। स्पेशल एडिशन हूँ मैं, बूम पटाका गुड़ी, हाँ स्पेशल एडिशन हूँ मैं, बूम पटाका गुड़ी। त्रिशूल? हाँ माँ। वहाँ क्यों खड़े हो, आओ बैठो। बस बस। खाना शुरू कीजिए। त्रिशूल क्या कर रहे हो? खाना खाने से पहले लोग प्रार्थना क्यों करते हैं मुझे आज समझ में आ रहा है। क्या कहना चाहते हो? नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप सब क्या सोच रहे हैं? खाना शुरू कीजिए ना। वाह, अमृत जैसा स्वाद है। बहुत ही स्वादिष्ट। वाओ भाभी, क्या खाना बनाया है, खाके मजा आ गया। थैंक्स रीना। शिवानी तुमने तो आज उस दिन से भी अच्छा खाना बनाया है। हाँ ये खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, ये कैसे हुआ?
वाओ सुपर, हमारी शिवानी इतना अच्छा खाना बनाती है ये मुझे आज पता चला। इतने साल फॉरेन में था लेकिन इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। थैंक यू माँ। अंकल, भैया आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं आज पता चल गया। चाचा जी, पूरी कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। फ्राइड राइस तो और भी अच्छा है, लीजिए ना। बस। अरे एक स्पून और लीजिए ना मेरे लिए। बस बस बस। गुरुजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपकी चुप्पी मुझे और डरा रही है। गुरुजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है बताइए ना। नंदेश, माँ ज्वाला मालिनी अगर मेरी जान भी मांग ले तो खुशी खुशी उनके पैरों पर अपनी जान दे दूं, ऐसा उनका महाभक्त हूं मैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सीखे हुए महाघोर मंत्र आज मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहे। जो मंत्र याद आ रहे हैं उनका मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, और जिन मंत्रों का मैं उपयोग कर रहा हूं वो मुझ पर ही वार कर रहे हैं। नागमणि नामक मोहमणि मुझे हरा रही है नंदेश। नागमणि के वारिसधारों का आकर मेरी शक्तियों को मुझसे छीनने जैसा बुरा सपना देखा मैंने। उन्होंने मेरी उपासना मूर्ति की मुझे ही बलि दे दी। इस सपने का आना, मेरे मंत्रों का भूल जाना, माँ ज्वाला मालिनी की कृपा मुझ पर कम होना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नंदेश। सिर्फ मैं नहीं, नागमणि से जुड़े हर एक को सावधान करने के लिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। जाओ, अभी जाओ, दिग्विजय के दोस्तों को ये बात बताओ, आने वाली अमावस्या तक सब सावधानी बनाए रखें, ये उन्हें बताओ। जाओ। ठीक है गुरुजी। नंदेश, मैं एक महापूजा करने वाला हूं, जब तक मुझे उसका फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सबको सावधान रहना होगा। जाओ। जी गुरुजी। खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन तुमने कहा उसे खाना बनाना ही नहीं आता। माँ, मैंने टेस्ट किया था, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपके हाथों का स्वाद मैं नहीं जानता क्या? हर बार उसे चक्कर परफेक्ट है ऐसा मैं ही कहता हूँ ना। उसका खाना बहुत ही बेस्वाद था माँ, आपको मैं कैसे समझाऊं? मैंने जब उसे टेस्ट किया था मुझे यमदेव दिखने लगे थे। फिर स्वाद कैसे बदल सकता है? किसी ने उसकी मदद नहीं की, मेरा बनाया हुआ खाना तुम ले भी नहीं गए। उसके बाद भी खाना इतना अच्छा बना है तो खाना उसने ही बनाया होगा। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये ना कोई जादू है ना ही चमत्कार है, शायद उसके पास कोई शक्ति है जिससे खाने का स्वाद बदल गया होगा, है ना? ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब वो खाना शैलू ने ही बनाया था। ऐसा कुछ नहीं हो सकता माँ, फिर भी। चुप हो जाओ, शैलू शिवानी का रोल बहुत अच्छे से निभा रही है, तुम उसे परेशान मत करो। मैंने जब पहली बार खाया तब खाने जैसा नहीं था, बेस्वाद था। माँ से पूछा, माँ ने भी मदद नहीं की, फिर अभी जो मैंने खाना खाया वो इतना अच्छा कैसे? ये कैसे हो सकता है? चमत्कार, ये महा चमत्कार, उस प्रलय रुद्र का चमत्कार, उस पशुपतेश्वर का चमत्कार, सत्य सत्य की रक्षा करने के लिए किया गया चमत्कार। ये तो शुरुआत है, आगे ऐसे बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं, ये तो शुरुआत है। भोलेनाथ। वो शिवानी है या नहीं इसके लिए हमने जो भी परीक्षा ली उससे जुड़ी हर परीक्षा में वो सफल हो गई। उसने सबकी पसंद और नापसंद ही बता दी। खाना भी स्वादिष्ट बनाया था लेकिन अभी उसे और परखना होगा। क्यों? न जाने क्यों मुझे अब भी उस पर विश्वास नहीं है। जैसा कि आप सभी ने मुझसे कहा था, उसे आसानी से बहू नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये पैसों से संबंधित मामला है।
ये जायदाद की बात है। इतनी संपत्ति को पाने के लिए तो कोई भी हमारी बहू का रूप ले सकता है। अगर मेरा शक सही है तो उसे परखने का मेरे पास एक प्लान और है। नंदीश, जरा बुलाना उसे। बोलिए चाचा जी। नंदीश, जरा वो फाइल दो। तुम्हारे साइन चाहिए। ये क्या है चाचा जी? इंश्योरेंस की बात है। त्रिशूल की तुम नॉमिनी हो इसीलिए। पेन दो। सुनी जी, हर वक्त शैलू शैलू करते थे और इसे ऑटोग्राफ देना ही आता था। इसे शिवानी का साइन करना आता है क्या? यहां करना ना। हाँ, हो गया, तुम जा सकती हो। त्रिशूल, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब कहीं ये सच में नागिन शिवानी तो नहीं है?